मेरा पर्सनल ओपिनियन था, जेन्युइन बात बता रहा हूँ आपको, मुझे वो फील नहीं आया कि मैं किसी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की कार में बैठा हूँ। अगर आप लोग टेस्ट ड्राइव करेंगे तो आप लोग भी फील करेंगे इस चीज को लेके, बिकॉज इतना कहीं ना कहीं दोनों गाड़ियों के वेट की वजह से ना काफी ज्यादा डिफरेंस आ जा रहा है उनकी परफॉर्मेंस पे। पर अगर भाई चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज इस चैनल में सिर्फ आपको जेन्युइन रिव्यूज दिए जाते हैं, जो चीज है वो है, जो चीज नहीं फील होती वो नहीं बताते। हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार पैक्स, एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होंडा एक्स्ट्रा के बारे में। जैसे आपने हमारे चैनल में देखे होगा, हमने रिसेंटली होंडा एक्स्ट्रा का ड्राइव रिव्यू किया है, तो उसके ड्राइव रिव्यू करने के बाद जो मेरे थॉट्स हो गए हैं उस कार के बारे में, आज मैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर कोई बंदा इस वीडियो को देख रहा है जो सोच रहा है कि उसको सिर्फ पॉजिटिव चीजें सुनने को मिलेंगी एक्स्ट्रा के बारे में, तो वो गलत है। आज की वीडियो में मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो मुझे फील हुए इस कार को चलाते हुए। एंड आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या सच में ये कार टाटा पंच का कॉम्पिटिशन है। तो भाई सीधे आते हैं पॉइंट पे, एंड मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा जब हमने होंडा एक्स्ट्रा का ड्राइव रिव्यू किया। तो गाइस, पहली बात करूं, सबसे पहला पॉइंट जो मुझे फील हुआ जब मैं उस कार में बैठा, तो मुझे कहीं से भी एक वो फील नहीं आया कि मैं एक मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की कार में बैठा हूं। बिकॉज उस कार का अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे पंच के साथ, तो उसमें जो आपका स्टांस है, जो आपकी एक पोजीशन है, ड्राइविंग पोजीशन है, वो पंच के कंपेरिजन में लो है। मेरे को फील जो आ रहा था उस कार में बैठ के, वो मुझे अभी भी एक हैचबैक कार का फील आ रहा था। ऑल्दो कार का डिजाइन बॉक्सी है, अच्छा खासा आपको उसमें आपको हेडरूम देखने को मिलेगा, बट जो उसकी सिटिंग पोजीशंस है, जो सीट की सिटिंग पोजीशन है, वो पंच के कंपैरिजन में लो है। तो आपको लगेगा नहीं कि आप थोड़ा ऊंचा बैठे हो कार पे, आपको जो पोजीशन मिल रही है उसमें वो एक मिड साइज एसयूवी कार का, जो हम बोलते जा रहे हैं कि एक एसयूवी सेगमेंट की कार है, वो वाला फील उस कार में बैठ के मुझे नहीं आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आप लोग ने उसकी टेस्ट ड्राइव ली है या आप लोगों ने शोरूम में जाके देखा है कार को, मैं कहूंगा शोरूम में जाके फिर भी आपको इतना जजमेंट नहीं मिलेगा, आप उसके एक बार टेस्ट ड्राइव लीजिए, फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा फील आ रहा है, वो एसयूवी फील आ रहा है आपको उस कार में या नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन था, जेन्युइन बात बता रहा हूँ आपको, मुझे वो फील नहीं आया कि मैं किसी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की कार में बैठा हूँ। सेकेंड पॉइंट जो मैं बताऊंगा, कार की इंजन परफॉर्मेंस रिलेटेड। सो एज वी ऑल नो, होंडा एक्स्ट्रा 1.2 लीटर कापा इंजन के साथ आती है, जो कि इसके आपको i20, नियोस, ऑरा में भी देखने को मिलता है। एंड ये कार 81 bhp की पावर एंड 113 nm का टॉर्क प्रोवाइड करती है, जो कि काफी सफिशियंट है इस कार के साइज को देख के। इस कार का अगर आप कर्व वेट देखोगे, उस हिसाब से भी ये इंजन काफी सफिशियंट है इस कार के लिए, एंड वो चीज आपको इसके ड्राइव एक्सपीरियंस में देखने को मिलेगी। कार काफी अच्छा आपको पिकअप इस कार में देखने को मिलेगा, कंपेयर करूं तो मैं पंच से, काफी अच्छा पिकअप मिलेगा आपको कार से। काफी रिफाइंड इंजन है इसका, फोर सिलेंडर इंजन ऑप्शंस आता है इसके साथ, जो ऑलवेज थ्री सिलेंडर से ज्यादा रिफाइन मिलता है। गियर काफी स्मूथ है कार के। तो अगर बात की जाए ड्राइव रिव्यू के हिसाब से, तो ड्राइव रिव्यू के हिसाब से बहुत बढ़िया बताऊंगा मैं कंपेयर टू पंच, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे इसको चला के। और वो अगर आप लोग टेस्ट ड्राइव करेंगे तो आप लोग भी फील करेंगे इस चीज को लेके, बिकॉज इतना कहीं ना कहीं दोनों गाड़ियों के वेट की वजह से ना काफी ज्यादा डिफरेंस आ जा रहा है उनकी परफॉर्मेंस पे। एक्स्ट्रा का वेट कम होने की वजह से जो पिकअप चाहिए, वो पावर उतना, वो इंजन उतना सफिशियंट है वो पावर प्रोड्यूस करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये एडवांटेज एक्स्ट्रा के पास जाती है। तो अगर आप ड्राइव रिव्यू के एक्सपीरियंस पे बात करोगे, तो ड्राइव रिव्यू आपको हमेशा एक्स्ट्रा का आपको अच्छा ही लगेगा कंपेयर टू टाटा पंच। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो वो रहा उस कार में बैठ के आपको जो फील आ रही है ना, आपको कहीं नहीं ऐसा नहीं फील हो रहा कि आप कोई एक न्यू सेगमेंट की कार चला रहे हो। उसका एक रीजन ये भी है कि आपको सेम इंटीरियर का कंपनी ने प्रोवाइड किया, मैं अपने पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, ये सेम इंटीरियर होने की वजह से आपको फील नहीं आ पा रहा कि आपको एक नए सेगमेंट की कार में बैठे हो। एक्सटीरियर कंपनी ने चेंज कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, पूरा एक्सटीरियर लुक्स चेंज हुए हैं। हो सकता है कई लोग मान रहे हैं, मुझे भी ऐसा फील होता है कई कई जगह ओवरडन हो गया है जो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। रियर कार का लुक मैं पहले बता चुका हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं आया, बट फ्रंट कहीं सही है, अच्छा लगता है फ्रंट से, साइड प्रोफाइल भी कार की सही है, बट रियर में थोड़ा मार खा रही है एक्सटीरियर लुक में। एंड बात जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, वो आ रहा है इंटीरियर को।
इंटीरियर आपने सेम वही वाला रखा है नियोस ऑरा में जो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जब आप कस्टमर इस कार में जो ऑलरेडी नियोस यूज करके आया है उसको अंदर बैठ के वो फील ही नहीं आ रहा कि वो किसी नए सेगमेंट की कार में बैठा है। तो मुझे भी पर्सनली ऐसा फील हुआ इंटीरियर को देख के कि यार मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं कोई नई कार चला रहा हूँ। तो एक ये फील होना भी जरूरी है, तो जो मुझे यहाँ पे मिस लगा इस कार में। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो फीचर मिल रहे हैं वो काफी अच्छे हैं, मुझे काफी पर्सनली पसंद आए जो फीचर्स इसमें दिया जा रहे हैं। आपको इसके टॉप मॉडल पे वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, सनरूफ आपको मिल जा रही है, डैश कैम आपको मिल जा रहा है, जो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है इस कार के लिए। अगर आपको एक फीचर प्रूफ कार चाहिए, आपको एक फीचर लोडेड कार चाहिए, तो ये चीज जो दे रही जा रही है कंपनी द्वारा इस कार में, ये बहुत अच्छी चीज है। तो मेरे को फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से लगा कि हाँ यार अच्छा है, ये चीज अच्छी दी जा रही है। तो गाइस अब बात करता हूँ मैं कि क्या ये कार पंच का कंपटीशन है या पंच का सब्स्टिट्यूट है। तो मेरी ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि ये कार मैं नहीं मानता कि ये कार पंच का सब्स्टिट्यूट है। हाँ, मैं जरूर मानता हूँ कि जो लोग नियोस लेना चाहते हैं उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है नियोस का, आइडन नियोस का, बट पंच का डेफिनेटली मैं इसको कंपटीशन या सब्स्टिट्यूट नहीं मानता। बिकॉज जो फील आपको पंच में बैठ के आएगी वो फील आपको आपकी एक्सटर में बैठ के नहीं आने वाली। पंच में जब आप फील बैठते हो, पंच की बिल्ड क्वालिटी की वजह से, पंच के कार के वेट की वजह से आपको एक सॉलिडनेस लगती है कार में। जब आप इस कार को ड्राइव करोगे पंच को, तो आपको फील होगा कि आप किसी सॉलिड कार को ड्राइव कर रहे हो, जो चीज आपको होंडा एक्सटर में फील नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये बोलने से बेटर कि ये कार पंच का कॉम्पिटिशन या पंच का सब्स्टिट्यूट है, हम ये मान सकते हैं कि ये कार i10 का सब्स्टिट्यूट मुझे ज्यादा लग रही है। एंड जो लोग मेरे हिसाब से जो लोग i10 लेना चाहते हैं, i10 से बेटर डील आपको Hyundai Accent प्रोवाइड कर रहा है इस समय। अगर हाँ, जो कस्टमर i10 का है वो Hyundai Accent की तरफ मूव हो सकता है, उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे Hyundai Accent अगर आप बोलोगे i10 का सब्स्टिट्यूट लग रही है। अगर जो लोग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार चाहते हैं, परफॉर्मेंस के बेस पे अगर उन्हें कार सेलेक्ट करनी है और पंच और एक्स्ट्रा के बीच में कंफ्यूज है, तो उन लोगों को मैं बोलूंगा कि हाँ, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ परफॉर्मेंस ही है आपका क्राइटेरिया, तो आप Hyundai Accent की तरफ जा सकते हो। बिकॉज Hyundai Accent का इंजन काफी ज्यादा रिफाइन है और वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी निकाल के देगा कंपेयर टू टाटा पंच। बट हाँ, अगर आप बात कर रहे हो पूरा SUV फील वाली, वो चीज आपको Hyundai Accent में देखने को नहीं मिलेगी। तो गाइस ये मेरा एक जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू था। हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो, या हो सकता है कि कुछ लोग इस बात से एग्री भी करें। अगर जो भी आपकी राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट जो भी था यार, ऑनेस्टली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था इस कार को लेके वो यही था। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज इस चैनल में सिर्फ आपको जेन्युइन रिव्यूज दिए जाते हैं। जो चीज है वो है, जो चीज नहीं फील होती वो नहीं बताते। तो गाइज अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।